ऐसी जिसके बारे में अगर आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे तो आपको ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे कि पार्ट ऑफ द एम बी बी एस कार्यकुलिस यू हैव टू सस्टेन दिस फकिंग बहुत सालों की प्रथा है ये कि आप एम बी बी एस में घुसे तो आपकी रैगिंग होगी ठीक है तो आज मैं आपको एक पूरा गाइड देने वाला हूँ ठीक है चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो गवर्नमेंट में हो प्राइवेट में हो ठीक है आपका कोई भी जेंडर हो मेल फीमेल दे दैम जो भी और आप कैसे रैगिंग से बच सकते हो ठीक है आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ज़्यादातर केसेस में नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज में आपको आपके सीनियर्स रैग करेंगे ठीक है मैं वन परसेंट वाली सिनेरियो की भी बात करूँगा ठीक है तो 99 परसेंट केसेस में आपको आपके सीनियर्स रैग करेंगे और दो तरह की रैगिंग होगी आपकी एक होगी आपकी एमबीबीएस में और एक होगी आपकी पीजी में जिसको टॉक्सिसिटी बुलाते हैं ठीक है तो हम सिर्फ रैगिंग के बारे में अभी इस विषय पर बात करते हैं ठीक है आपको एक चीज़ रियलाइज करनी होगी कि आप एक रिसेप्टर की तरह हो और जो आपका सीनियर है वो एक ड्रग की तरह है ठीक है अगर वो ड्रग एगोनिस्ट हुई तो तुम्हारा जब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हमें चीज चाहिए वो हो रही होगी जैसा एमबीबीएस की जर्नी पॉजिटिव जर्नी है अगर तुम्हें एगोनिस्ट मिल गया तो तुम तुम तुम्हारा बहुत जल्दी एक्शन एक्शन परफॉर्म कर पाओगे अपना अगर तुम्हें एगोनिस्ट मिल गया एंटागोनिस्ट मिल गया तो तुम्हारा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा और तुम वो हरकतें कर रहे होगे जो एक एमबीबीएस वाले पे शोभा नहीं देता है ठीक है अब इसमें इनवर्स एगोनिज्म मत लगाना ठीक है बट तुम एक चीज समझ जाओ कि दो तरह के से हो सकते हैं दो तरह के सीनियर्स ही तुम्हें मिल सकते हैं दूसरी चीज जो भी सीनियर्स तुम्हारी रैगिंग करेंगे वो हमेशा झुंड में होंगे ठीक है तुम हमेशा एक चीज देखो कि स्टार्टिंग में जब भी इनको अपना वो दिखाना है कि भाई हम सीनियर हैं हम सीनियर हैं तभी आपको झुंड में मिलेंगे फर्स्ट दिन पे झुंड में मिलेंगे उसके बाद ये सोलो 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 करने लग जाएंगे जिस दिन झुंड वाले दिन इन्होंने इंप्रेशन तुम पे जता दिया तुम्हारे वनरेबल माइंड्स पे एक बार इम्प्रेशन जता दिया कि ये कितने खतरनाक लोग हैं उसके बाद ये सोलो सोलो अपने छोटे मोटे स्टंट्स करते रहते हैं रैगिंग के बट ज़्यादातर केसेस में ऐसे लिंडी से लिंडी से पतले पतले सीनियर्स ठीक है या बहुत ही मोटे सीनियर्स जिन्होंने कभी मतलब अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया है ऐसे सीनियर्स तुम्हारे को तुम्हारी माँ बहन भाई सबको चाचा तक को भी नहीं छोड़ेंगे और ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देंगे और तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे जिसके बाद तुम सोचोगे कि क्या ये सब कुछ वर्थ था इलेवन ट्वेल्थ में करना अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि एम में सीनियर्स रैगिंग क्यों करते हैं ठीक है एक तो बहुत सालों का ये कल्चर है तो जब कोई जूनियर होता है तो उसकी जब रैगिंग हो रही होती है तो सीनियर उसको बोलता है भाई अभी थोड़े टाइम की बात है तू दे दे हमें रैगिंग उसके बाद तू ले लियो रैगिंग ठीक है सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग ये है कि जो लोगों के अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है कोई ना कोई चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में वो ज़्यादातर ये रैगिंग वैगिंग करते हैं ठीक है तीसरी चीज़ मैंने ऐसा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं जैसे कि यूपी बिहार हरियाणा एंड दिल्ली ये चार स्टेट्स के लोग सबसे ज़्यादा रैगिंग में पार्ट लेते हैं चाहे ये इंडिया के किसी भी कोने में हो उनमें से मैं भी आता हूँ ठीक है मैं आ, मैं अपने स्टेट्स वाले लोगों को काफ़ी पसंद करता हूँ बट एक चीज़ मैंने देखी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के पॉप कल्चर और इन सारी चीज़ों के चक्कर में इनको लगता है कि ये कॉलेज में नहीं मिर्ज़ापुर में है या ये किसी यहाँ पर एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पर इनको अपना भोकाल दिखाना है ठीक है सॉरी फॉर दैट एक हमारे क्लास में ग्रुप था बहुकाल इसलिए मुझे हंसी आ <laughs> किसी आई किसीवरीबडी फ्राम माई का क्लास ठीक है बट um, तो आपको ये तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर केसेस में आपको मिलेंगे साउथ इंडियन लोग भी रैगिंग करते हैं बस ज्यादा से ज्यादा जो मेरी रैगिंग हुई है वो ये हुई है मचा कम यौर, कम यौर, बैठो यहाँ पर ये लो बियर पीओ वेरा फ्रॉम डेली आ डेली ठीक है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली रैगिंग हुई है ठीक है मेरे क्लास में एक बंदे की रैगिंग नहीं हुई थी ठीक है उसका नाम मैं लूँगा नहीं बट मेरे जो भी वीडियोस क्लास वाले लोग देख रहे हैं वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर था फर्स्ट ईयर में ही ठीक है बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर बंदा था ठीक है एंड उसकी कोई रैगिंग ही नहीं ले पाया मैंने एक चीज़ नोटिस करी मेरी भी रैगिंग हुई और मैंने भी रैगिंग आगे ली है सेकेंड ईयर तक मैंने भी रैगिंग ली पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार लेट्स से इसका नाम हम गोपी बोल देते हैं गोपी गोपी की कोई आज तक रैगिंग नहीं ले पाया क्योंकि गोपी बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर था ठीक है तो पहली चीज़ अगर आपको रैगिंग से बचना है वो है कि आपको डारविन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी को अपनाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि भाई मैं इस एन्वायरमेंट में अगर फ्लरिश करना चाहता हूँ और ये इन्वायरमेंट अप है जहाँ पर मेरा को मेरे को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज किसी बंदे ने मुझसे एक साल एक साल ज़्यादा पढ़ाई करी है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा यार तुम एक चीज़ रियलाइज करो मैं मैंने चलो ठीक है तुम्हें तो शायद ये मसलमा ज़्यादा नहीं लग रहा होगा मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था ठीक है मेरे सीनियर्स मेरे ना मैन बूब्स होते थे मैंने ना गाने को गैनकोमेस्टा की सर्जरी कराई है ठीक है क्योंकि मैं मैं इतना ज़्यादा ट्रामेटाइज था इतना ज़्यादा ट्रामेटाइज था, 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 था इस चीज़ को लेकर अपनी फिजीक को लेकर क्योंकि ये सीनियर्स आके मेरे ना इसी मजाक मजाक में से दबा देते थे ठीक है एंड मैं अभी तुम्हारे सामने बड़ा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनता हूँ बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना वो अभी भी सुशेन है जिसने वो ह्यूमिलिएशन फील किया है ठीक है और वो कभी आ, पता नहीं मेरे को सही हो सकता है नहीं हो सकता है ये जो टैटूज़ है एक आ, मैंने चाकू का टैटू बनाया हुआ है एक सांप का टैटू बनाया हुआ है मुझे दोनों चीज़ें नहीं पसंद है बट मेरे को एक चीज़ मैंने रियलाइज करी मेरे सर्वाइवल इस वीडियो गेम के जो मैं सर्वाइवल में कोशिश कर रहा हूँ कि जब मेरे पास एक चाकू और सांप का टैटू है और जब मेरे पास शरीर में मसल मास है और मैं छः फुट दो का हूँ तो कोई भी बंदा हो लाइफ में वो मुझसे पंगे नहीं लेगा तू कमेंट सेक्शन पे तेरे को कुछ लिखना है तो लिख दे बट आई एम श्योर मैं तेरे अगर सामने खड़ा हूं तेरी गांड में दम ही नहीं होगा मुझे कुछ बोलने के लिए तू कुछ बोल ही नहीं सकता तू यहां पर जो करना है कर तू यहां पर जो करना है कर मैं तेरे पे तेरे को कुछ पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ बट एक चीज मुझे अपने बारे में कॉन्फिडेंस है कि अगर मैंने इतना मसल मास फुट के फ्रेम में प्रोक्योर करा है मेहनत करके और मैं अगर अपने आप को थोड़ा वैसा से दिखा रहा हूँ कि मतलब थोड़ी टैटूज वैटूज दिखा रहा हूँ कि मैं चाहे अंदर से कैसा भी हूं चाहे मैं अभी भी वो वो वाला लड़का हूं जो डरता है अपने सीनियर से ठीक है मैं कम से कम दुनिया को कोई और इमेज दिखा पा रहा हूँ और शायद फिर मेरी रैगिंग ना हो पाए तो तुम्हें एक चीज़ रियलाइज करनी होगी कि एक ट्रॉमा आ जाता है मैंने मेरे साथ रैगिंग हुई भी है और मैंने बहुत लोगों की करी भी है ठीक है इसी सोच में कि यार जब मैंने इतना सहा तो मैं क्यों नहीं आके करूँगा और ठीक है मैंने सेकेंड ईयर तक बहुत लोगों की करी ठीक है अपने बैचमेट्स के साथ जो मैंने बदतमीजी करी ना उस चीज़ को मैं रैगिंग नहीं मानता हूँ उस चीज़ को मैं मानता हूँ कि मतलब इट शुडेंट हैव बीन डन आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव एडवाइज ऑन वेर इट कम्स टू यू नो बींग नाइस विद अदर्स आई वॉज नॉट काइंड आई वॉज यू नो स्मॉल किड इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ठीक है आई हैव मेड सम मिस्टेक्स माई सेल्फ बट वॉट आई हैव रियलाइज इज कि यू नीड टू डू थ्री फोर थिंग्स टू यू नो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रैगिंग ए यू नीड टू लुक मैनेसिंग देर इज नो अदर वे देर इज नो अदर वे सेकेंड यू नीड टू रियलाइज कि ज्यादातर केसेस में ये इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रथा और तीसरी चीज अगर ये तुम बेसिकली जो बंदा सीनियर रैगिंग कर रहा होता है ना वो एक और चीज़ भी सोच रहा होता है ज्यादातर लड़के कर रहे होते हैं रैगिंग वो एक और चीज सोच रहे होते हैं कि अगर यार हम इनकी क्लास की लड़कियों के सामने इनकी बेस्ती करा आदेश जैसे सबके बाल मुंडवा दे फॉर एग्जाम्पल तो ये लड़कियां इनको सेक्शुअली अट्रैक्टिव नहीं मानेगी और हमारे पास ज्यादा चांस होगा आई नो आई नो इट इज सच अ वियर्ड थिंग राइट बट ध्यान से देखना ध्यान से देखना ज्यादातर लड़के इसी चीज में करते हैं एक बहुत ही गंदा छाप छोड़ जाता है रैगिंग ठीक है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम साढ़े पांच साल तक अगर एक हॉस्टल में तुम्हारी कॉन्स्टेंटली रैगिंग हो रही है लेट्स विद रैगिंग कम भी हो रही है यू ऑलवेज फील कि यू आर ऑन द एज ठीक है तो थर्ड थिंग इज कि यू नीड टू बी सो कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ वो तभी आएगा जब तुमने अपनी बॉडी पे काम किया है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के ऊपर कि तुम बस अपना मुंह खोल पाओ ना बोल पाओ तुम्हें जाके कम्प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है किसी को क्योंकि तुम कम्प्लेन करोगे तो तुम्हें बोलेंगे ये तो पुसी बंदा है ये तो पुसी बंदा है और तुम्हारी बाद में कभी ना कभी मिलकर काट लेंगे ये ठीक है तो कम्प्लेन करने से रोना धोना करने से इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने से किसी का कोई फायदा नहीं है एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक द मैटर इन योर ओन हैंड्स जिस वार्डन को जाकर तुम कम्प्लेंट करोगे उनकी अपनी खुद की लाइफ है वो हॉस्पिटल और कॉलेज की इज्जत पे ज़्यादा ध्यान देंगे इन कंपैरिजन टू कि सही गलत किसके साथ हुआ वो रैगिंग करने वाले को भी उतना ही बचाएंगे जितना जिसके साथ रैगिंग हुई है क्योंकि उनका मेन काम होगा मैटर को दबाना और दोनों पार्टीज़ को सॉर्ट करना ब्यूरोक्रेसी ठीक है तो तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि तुम्हें सिर्फ तुम ही बचा सकते हो और उसके लिए तुम्हें ना बोलना आना चाहिए तुम्हें अपना कमांड रखना आना चाहिए तुम्हें अपना स्टैंड रखना आना चाहिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे पास एक मसल मास होना चाहिए और तुम्हें जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आ जाए तब तुम्हें इन लोगों को एक चीज समझानी है ये भी एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स है तो तुम इनका गला नहीं पकड़ सकते हो ठीक है तो तुम्हें इनको एक चीज समझानी है कि ब्रो सर बर किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है सर मैम लेकिन उन्होंने तुमसे ज़्यादा तीन सब्जेक्ट पढ़े तो वो तुम्हारे सर नहीं बन जाते ये चीज़ निकाल दो ये बहुत गंदी चीज़ है ये एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भी करते हैं आपस में दिस इज सो बैड दिस इज सो फकिंग बैड भाई कितना छूतिया कॉन्सेप्ट है भाई कितना छूती हो भाई अपनी फ्रेटर्निटी छूती से भरी हुई है इतना पढ़ने के बाद भी ना एक दूसरे को सर और मैम बुला रहे हो यू कॉल मी ब्रो मैन यू कैन कॉल मी ब्रो यू कैन कॉल मी एनी थिंग यू कैन कॉल मी बाई माई फक नेम आई वॉज नॉट बोर्न अट दर उन्नीस साल पे मैं सर बन गया किसी का अठारह साल की लड़के के लिए जिस जिसने में और बायो केमिस्ट्री मुझसे कम पढ़ी और वो अभी जस्ट घुसा तो मैं सर हूं गेट अ लाइफ अगर तुम किसी को सर या मैम बोलवा रहे हो मैम ऑल्सो गेट अ फाइफ भाई क्या एक चीज समझ लो तुम्हें इज्जत एज के हिसाब से कभी नहीं मिलेगी भाई तुम तुम्हें जूनियर्स भी इज्जत करेंगे तुम्हारे बैचमेट भी इज्जत करेंगे तुम्हारे सीनियर भी इज्जत करेंगे अगर तुम उनको इज्जत दोगे और अगर कभी इज्जत मांगोगे ना तो लौड़ा तुम्हें कभी इज्जत मिलेगी ये जो नकली में सर मैम पे तुम खुश होते हो ना तुम्हारा खड़ा होता है तुम्हारी वही औकात है तो कोशिश ये करना कि खुद ट्रामेटाइज ना होना और जरूर अगर खुद ट्रामेटाइज भी हो आगे बच्चों को ट्रामेटाइज मत करना ये सर मैम वाली चीजें छोड़ दो कोई फायदा नहीं है इस चीज में इन लोगों की लाइफ एम के अंदर खुद इतनी शिटी होती है कि इनको थोड़ा सा ये डोपमिन का सर्च मिल जाता है सर और मैम करके थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इनका यू नो टिंगल हो जाता है स्पाइडी सेंस की तरह भैंसो कुछ नहीं रखा है इस चीज में अगर ये कमेंट सेक्शन ओपन है तुम अपने कॉलेज के बारे में बताओ प्राइवेट कॉलेजेस में ना यार कम होती है रैगिंग ठीक है बड़ होती है अच्छी खासी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि वहां पर क्या सीन है सब्सक्राइब करो अगर तुम एक विक्टम रहे हो तो भी अपनी स्टोरी बताओ अगर तुमने किसी को विक्टमाइज किया तो भी अपनी स्टोरी बताओ तुम्हें हल्का लगेगा ठीक है एंड यू कैन चेंज फ्रॉम टुमोरो अगर तू ये वीडियो देख रहा है और तेरे को लग रहा है कि आ, ये क्या बोल रहा है भैनचूद मैं तो अभी अभी जूनियर्स को बुलवा के अपने पैर दबवाऊंगा भोसरी वाली लाइफ देखो दबाएगी बाद में याद रखियो मेरी बात थैंक यू सो मच